मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां भी शुरू हो गई। हालांकि अभी देश के कई जगहों पर गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी है। कुछ जगहों पर हीटवेव और लू रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन गर्मी का यही दौर रहेगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 18 जून के बाद भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य के कुछ हिस्सों में बढ़ चुका है और अगले 4 से 5 दिनों के बीच महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, पश्चिम बंगाल के बचे इलाकों और बिहार के कुछ हिस्सों में आ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कहा कि एल की स्थिति साथ साथ बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में 18 जून तक लू चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही अगले 7 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी हल्की या भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।